कहाँ ऊपर कितना? तो गाइस बहुत ठंड लगी है, लेकिन कोई नहीं, अपने पे जैकेट है, जैकेट ऑफ सोना हीरा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम पागलों की तरह चले जा रहे थे और जुगनी वाटरफॉल आ ही नहीं रहा था। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको जुगनी वाटरफॉल के थोड़े बहुत दर्शन करा देता हूँ। ओए होए भाई, वो कहाँ जा रहे हैं? चढ़ तो जाओगे, सोचने के सोच के आ रहे, क्योंकि बहुत अगर तो दम है तो चढ़ जाओ ऊपर। और अगर नहीं है अरेंजमेंट कर लो। और वैसे उतरने में वहीं से फोटो लिया आप ऊपर से आए? बिल्कुल फोटो लिया आपने? हैं, हम गए ही नहीं, गए नहीं तो भाई हम गए ही नहीं भाई। बढ़िया, जैसा कि आप लोगों को दिख पा रहा है, सामने बर्फ ही बर्फ है, वाटरफॉल दूर दूर तक नहीं है। तो बेसिकली ये पूरा जम चुका है, इस समय पे आया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था वो जम चुका है, और बाकी आपको सामने दिख रहा होगा पहाड़ों के ऊपर लोग अभी भी चढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक। तो वहाँ तक जाना और बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला पार्ट भी है, तो उसके लिए आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और आपके पास कोई एक दोस्त भी होना चाहिए जो वहाँ तक जाने की हिम्मत रखे। मेरे दोस्त तो कोई जाने की हिम्मत नहीं रख रहे, तो वो तो कह रहे कि बस यहीं तक ही आ गए, बस यही बहुत है। तो अब हम यहाँ के आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, कुछ सीन्स दिखा देंगे हल्के फुल्के। बेसिकली यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और अगर आप सब एनर्जेटिक पर्सन हो तो आपको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ट्रैकिंग भी इसकी ज़्यादा पसंद आएगी। बीच बीच में रिस्क भी है, लेकिन रिस्क के साथ ही तो मज़ा आता है। लगता है हमने ज़्यादा बातें कर ली, मेरे दोस्त लोग सब आगे निकल गए कार की तरफ, मैं अकेला यहाँ पर फोटोशूट और इसमें लगा पड़ा हूँ। बाकी आपको पता है मेरे को फोटोशूट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से कैप्चर करने की सोचता हूँ। एक दो और फोटोशूट कर लीजिए, फिर डन निकलते अपनी कार की तरफ। गाइस, फिलहाल मैं अकेला हूँ, फूक फूक के कदम रखते हुए जाऊँगा, और बेसिकली 20% मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, साइड में खाई और ऊपर पहाड़, रिस्क लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी लोकेशन पे अभी के लिए मैं पूरा अकेला जा रहा हूँ, दूर तक कोई, और बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा है, ना आवाज़ है ना कुछ है, ये एक्सपीरियंस भी ख़तरनाक हो गया भाइयों। बाकी एक बार बताता हूँ यारों, जाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अब आते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही छोटा रास्ता है। फाइनली गाइज, हम पहुँच चुके हैं घर के पास, और मैं अब थोड़ा बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। यहाँ से हमने कट मारा था, यहाँ से हम आए थे। अब भागते हुए जाता हूँ, फटाफट वहाँ तक पहुँचता हूँ। और जैसे कि आपको बीच में दिख रहा होगा, म्यूजियम मेरे यहाँ पे जाने का बड़ा मन था, लेकिन मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं पड़ा। गाइस वहाँ पे कार के पास बैठे वेट कर रहे हैं, मेरे को कॉल पे कॉल कर ली है, तो अब मेरे को फटाफट भागते हुए वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस, मैं गाइस दोस्तों से मिल लिया हूँ। तो गाइस, हम होटल पहुंच चुके हैं, अब हम फटाफट थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करके एंड देन कुछ खा पी के एंड फिर माल रोड की सैर करेंगे। भाई क्या हो रहा है?